कि ये सिर्फ आपको 1500 2000 नहीं, हमारी लाडली बहनाओं को राज्य में हमें लखपति बनते हुए देखना है, लखपति बनते हुए, क्योंकि मोदी जी ने लखपति दीदी निकाला है, ड्रोन दीदी निकाला है, उज्ज्वला योजना निकाली है, जनधन योजना निकाली है, कई योजना, ये स्वनिधि योजना, और इसलिए ये डबल इंजन की सरकार है, ये लोगों की सरकार है, ये आम लोगों की सरकार है, और इसलिए हम देने वाले लोग हैं। इसलिए नवंबर का किस्त इंस्टॉलमेंट हमने अक्टूबर में दे दिया, एडवांस में दिया, एडवांस देने वाली यह सरकार है। ये पहले वाली सरकार एडवांस लेने वाली सरकार थी, हम देने वाले लोग हैं। पहले हमारे पांच हफ्ते आपके खाते में आ गए, पांच हफ्ते आपके खाते में आए, हम हफ्ते भरने वाले लोग हैं। पिछली सरकार हफ्ते वसूलने वाली सरकार थी, हम हफ्ते भरने वाले सरकार है, और इसलिए यही फर्क है वो सरकार में और हमारी सरकार में। हम देना जानते हैं, वो लेना जानते हैं। ये देना बैंक है, वो लेना बैंक थी, और इसलिए दो साल में हमने इतना काम किया है। आपको बताऊंगा, पूरे मुंबई शहर में हम कंक्रीट के रोड बना रहे हैं, खड्डा मुक्त मुंबई, गड्ढे से कोई प्रवास करने की जरूरत नहीं। अगले दो साल में पूरे सब कंक्रीट के रोड होंगे, क्या अच्छा लगेगा ना आपको? कैसे दिखेंगे रोड? अच्छे होंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों आपने नहीं किया? इतने साल 10-15 साल आपके पास मुंबई है, सिर्फ डांबर में पैसे कमाने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है, और इसलिए 3500 करोड़ रुपया सिर्फ रिपेयरिंग में डाला है। यही पैसे ये आम जनता के है, आम पब्लिक के है, और इसलिए पूरी मुंबई को हम स्वच्छ बना रहे हैं। डीप क्लीन ड्राइव के लिए खुद मुख्यमंत्री रोड पे आया था। रोड धोने का कभी आपने काम देखा है? रास्ते धोने का, पानी से धोने का काम, जो रिसाइकल वाटर से रोड धोने का काम भी किया है। आज कई जगह पर आज हम देख रहे हैं कि यहां पर प्रदूषण कम करना है, ट्रैफिक कम करना है। मंगेश कुडालकर के यह आपला दवाखाना है, बाबा साहेब ठाकरे आपला दवाखाना पूरे मुंबई में हम बनाया है, और जहां जहां जरूरत है वहां भी करेंगे। मुंबई के लोगों का आरोग्य हेल्थ जो है हम अच्छा रखेंगे। मेरे बहनों का, मेरे भाइयों का, मेरे ज्येष्ठों का, आज 1.5 लाख रुपया महात्मा ज्योतिबा फुले योजना थी, हमने 5 लाख रुपए कर दिए। अभी कोई चिंता नहीं, कोई बीमार नहीं पड़े, लेकिन कुछ भी है तो सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री सहायता निधि, सीएम रिलीफ फंड में यही आपके भाई ने दो साल में 350 करोड़ रुपया लोगों को बांटे।